और आपको ब्रिटेन में हुए बर्फीली अटैक की तस्वीरें दिखाने वाले हैं। मौसम के इस प्रहार के सामने ब्रिटेन बेबस सा नजर आ रहा है। ये वही ब्रिटेन है जो कुछ महीने पहलों तक अब तक के सबसे भीषण सूखे का सामना कर रहा था, जहां बीता नवंबर महीना वर्ष 1876 के बाद अब तक का सबसे गर्म नवंबर रहा था। लेकिन कुछ दिन के अंदर ही मौसम ने ऐसी पलटी मारी कि ब्रिटेन ठंड से जम गया। कुछ जगहों पर तो पारा शून्य से भी 18 डिग्री तक नीचे लुढ़क गया। सीजन की इस पहली बर्फबारी या बर्फीले तूफान ने ब्रिटेन की रफ्तार रोक दी। झीलों और नहरों की तरह ब्रिटेन भी जमा हुआ दिखने लगा। और अब हम आपको ब्रिटेन के अलग अलग हिस्सों की ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपको इस बर्फीले अटैक की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। ब्रिटेन के इस हिस्से में झीलें जम चुकी हैं और लोग जमी हुई सतह पर सैर कर रहे हैं। ये ब्रिटेन में सर्दियों की दस्तक की तस्वीरें हैं, ऐसी दस्तक की जिसकी उम्मीद खुद ब्रिटेन के लोगों को ही नहीं थी। भीषण सूखा झेलने के कुछ हफ्ते बाद ही ब्रिटेन में मौसम ने कुछ ऐसा यू टर्न मारा कि हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आने लगी। क्या इंग्लैंड, क्या वेल्स और क्या स्कॉटलैंड, पूरा का पूरा ब्रिटेन सफेद चादर में लिपटा नजर आने लगा। लेकिन इंग्लैंड के उत्तरी पश्चिमी हिस्से को बर्फीली आफत का सबसे बड़ा अटैक झेलना पड़ा। यहां झीलें, नहरें और नदियां जम गईं। कभी जिन नहरों पर नाव चलती थी अब लोग वहां पैदल घूमने लगे। सड़कों पर भी कई इंच बर्फ जमा हो गई और फिसलन बढ़ने से लोगों की गाड़ियां जहां तहां फंस गई। भारी बर्फबारी की वजह से कई लोग रास्तों में ही फंस गए, जबकि फिसलन की वजह से कई हादसों की खबरें भी सामने आई। बर्फबारी ने ब्रिटेन की रफ्तार रोक दी। लोग घरों में ही फंस गए। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ की सफेद चादर नजर आने लगी। इंग्लैंड के अलावा वेल्स और स्कॉटलैंड में भी भीषण बर्फबारी हुई। वहां कई जगहों पर तो तापमान शून्य से भी 15 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर गया, जिसकी वजह से लोगों को बाहर निकलने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि बच्चे वहां इस सीजन की पहली बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए। सामने आई तस्वीरों में बच्चे स्नोमैन बनाते और बर्फ से खेलते हुए दिखाई दिए। जमी हुई झीलों और नहरों पर स्कीइंग शुरू हो गई। लेकिन इंग्लैंड के सॉलीहल इलाके में यही मौसम जानलेवा बन गया। वहां बर्फ से जमी झील में गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। बताया गया है कि ये बच्चे बर्फ में जमी झील में खेल रहे थे, लेकिन बर्फ की सतह पतली होने की वजह से वो टूट गई और 4 बच्चे झील के बर्फीले पानी में गिर गए। हादसे की जानकारी मिलने के बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और 4 बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनमें से 3 की जान नहीं बचाई जा सकी। Reports from the scene and videos on social media indicated that a number of children had been playing on the ice on a lake and had fallen through the ice. Our specialist water rescue teams arrived, worked out where in the lake the children were, and acted assertively to take control of the scene. Our crews entered the water, swam to the first child, and our specialist trained firefighters, including technical rescue, rescued 3 further children.
The children were brought out of the water, where they received immediate life support care from firefighters and our ambulance colleagues. भारी बर्फबारी का यातायात पर भी बुरा असर पड़ा है। कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, जबकि कई रास्ते में ही रोक दी गई। हवाई अड्डों पर इतनी बर्फ जमा हो गई है कि विमानों का रनवे पर दौड़ना भी मुश्किल हो गया। मैनचेस्टर हवाई अड्डे पर तो पूरी तरह से बर्फ का कब्जा हो गया। रनवे से लेकर टर्मैक तक कई इंच बर्फ जमा हो गई। वहां कई कर्मचारी रनवे से बर्फ हटाने के काम में जुटे दिखे, ताकि किसी तरह उसे विमानों के उड़ने लायक बनाया जा सके। हालांकि मौसम के आगे उनकी एक नहीं चली और ज्यादातर उड़ानें रद्द करनी पड़ी। लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे में भी कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। मौसम के तेवर को देखते हुए दक्षिण पश्चिमी इंग्लैंड, लंदन और स्कॉटलैंड में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया और लोगों से बिना वजह घरों से बाहर ना निकलने की अपील जारी की गई। रिपोर्ट जी मीडिया।